दोस्तों नमस्कार, मैं दिल गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल GM फर्नीचर पर। दोस्तों मार्बल बेस्ड जो किचन रहती है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, यानी कि पहले हमें प्लेटफॉर्म बनाना है, फिर कैसे उसका मार्बल का स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उसके बाद में कैसे अपन किचन को कम्प्लीट करेंगे और कैसे फर्नीचर उसके अंदर होने के बाद होएगा, तो सारा प्रोसेस आज मैं एक आपको छोटी सी हमने किचन तैयार करी थी उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए GM फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज। आइए दोस्तों साइड देखते हैं, हमारी प्लंबिंग की फिटिंग हुई हुई है यहाँ पे सिंक के लिए। ये हमारा 2 फीट चौड़ा मतलब 24 इंची बाय 2.25 इंची हाइट में ऐसा ये बॉटम से ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है फ्लोर के ऊपर, ताकि पानी वगैरह जाए नहीं अंदर किचन के, है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये वॉल है पुराना, क्योंकि वर्क था तो इसमें पेंट वगैरह ऑलरेडी नज़र आ रहा है। ये हमारा जो पॉइंट है ये गैस पाइपलाइन का है जो कि नज़र आ रहा है हमें गैस फिटिंग के लिए। ये मैं दोबारा आपको बॉटम वाला प्लेटफॉर्म जो है वो दिखा देता हूँ। इस तरह से बनता है, ये लगभग 2 इंची ऊपर है और 24 इंची चौड़ाई है। इसके बाद दोस्तों ये डिज़ाइन आपको नज़र आ रही है जो इस जगह के लिए प्रपोज्ड है, जो कि हमारा सिविल स्ट्रक्चर मिला उसके अकॉर्डिंग बॉटम कैबिनेट, ओवरहेड कैबिनेट, सिंक और सबकी पोजीशन आपको नज़र आ रही है और कहाँ ड्रॉर लगेगी। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा मार्बल का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट नहीं हुआ मतलब इन प्रोसेस है। अगर आप यहाँ देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मार्बल हमने पहले हॉरिजॉन्टल खड़ा किया है पीछे और फिर उसके ऊपर वर्टिकल दो लगाया है। उसका रीज़न सिंपल था, क्योंकि रिनोवेशन वर्क यहाँ झिरी खोदना पॉसिबल नहीं था। और ये जो है दोस्तों डबल मार्बल को पेस्ट करके जॉइंट करके यहाँ पे बनाया गया है, ताकि क्या है कि डबल मार्बल जॉइंट रहेगा तो उसमें स्ट्रेंथ रहती है और वो कैबिनेट हिंजेस लगाने में प्रॉब्लम अपने को नहीं आती है। अब दोस्तों ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो मसाला पड़ा है ऊपर टॉप के ऊपर। हमने एक दोबारा से काउंटर टॉप रख रखा है मार्बल वाला, उसके ऊपर नैनो ब्लैक लगाया है, बीच में मसाला है। अगर दोस्तों यहाँ देखोगे तो 2.25 इंची प्लेटफॉर्म जो है वो बाहर है, वर्टिकल पार्टीशन अंदर है। उसका रीज़न ये है कि सागवान फ्रेमिंग करनी होती है, ऐसा मैंने आपको बताया था। ये दोस्तों यहाँ पर सिंक वाला एरिया है जो आप देख पा रहे हो, सिंक का एरिया भी हमने अंदर दिया है। ये ओवरहेड का एरिया है जो कि हमारा अब इसके अकॉर्डिंग प्लान होगा। अब दोस्तों अपन मेज़रमेंट की तरफ चलते हैं। मेज़रमेंट हम ले रहे हैं तो ये पूरा मेज़रमेंट MM के अंदर होता है दोस्तों। अगर यहाँ देखोगे तो आप बीच वाले पत्थर से लेकर के बीच वाले पत्थर तक मेज़रमेंट होगा, मतलब सेंटर टू सेंटर मेज़रमेंट लिया जाता है और MM में लिया जाता है, ताकि हम जब फैक्ट्री में अपने बनवाएं तो उसमें दिक्कत नहीं आए। पुल आउट का मेज़रमेंट है ये वाला। इसके बाद दोस्तों ये जो है हमारा ड्रॉअर्स का मेज़रमेंट है, यहाँ पे ड्रॉअर्स लगने वाली है, 3 इनोटेक लगेगी यहाँ पे, लगभग 25.5 इंची के आसपास आ रहा है ये। फिर उसके बाद दोस्तों ये L कॉर्नर का मेज़रमेंट हम ले रहे हैं। इसमें ध्यान रहे कि एक पल्ला दूसरे पल्ले को ओवरलैप करता है, तो एक पल्ला में हमेशा 18 mm कम लेना पड़ता है, तो ये हमारा कॉर्नर का मेज़रमेंट है। इसके बाद दोस्तों हम दोबारा से मेज़रमेंट लेंगे जो कि आपका है L कॉर्नर के बाद में, जो अपना दूसरा वाला एक ओपनेबल कैबिनेट बनेगा उसका मेज़रमेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आखिरी में मैं आपको जो है सिंक का मेज़रमेंट ले लेता हूँ, सिंक का मेज़रमेंट लेके और आपको बताता हूँ। और सिंक के मेज़रमेंट के बाद में एक फिलर लाएगा और इसके बाद हाइट लेंगे हम कि पूरा ओवरऑल जो हाइट लेनी है अपने को कैबिनेट्स की वो कितनी लेनी है, तो हाइट अपन मेज़र करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रोसेस रहता है उसमें ये रहता है कि हम इसका वॉल जिसके ऊपर हमारा कैबिनेट्स आना और जैसा मैंने आपको डिज़ाइन में दिखाया था, तो उसका मेज़रमेंट लेंगे, कहाँ आरओ का डिस्टेंस छोड़ना है वो अपन लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पूरा का मेज़रमेंट का प्रोसेस था। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ किचन ये बन के कम्प्लीट हो चुकी है। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर साइड में जैसा हमारा प्रपोज प्लान था, यहाँ पर पहले जो है सारा कुछ कंप्लीट है, ओवरहेड से लेकर के बॉटम कैबिनेट तक। मैं आपको किचन एक एक करके सारी ड्रॉअर शो कर देता हूँ एक बार कैसे बनाए ये, है ना। तो वो अपन चलिए अब एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहली ड्रॉअर हमने ओपन करी है कटलरी के लिए हमारी, इसके बाद दूसरी ड्रॉअर हमने ओपन करी है मल्टीपर्पज़ है, इसके बाद ये तीसरी ड्रॉअर हमने ओपन करी जो थाली के लिए बनाई गई है, फिर ये बॉटल पुल आउट है, सभी के अंदर सॉफ्ट फ्लोर्स फिटिंग दी गई है ताकि पल्ला अपने आप जाके अंदर चला जाए। ये हमारा जो है इनोटेक है दोस्तों, 3 इनोटेक हमने यहाँ पे प्लान करी है, 2 हमारी विद गैलरी है, 1 हमारी विदाउट गैलरी है ना। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे एक कॉर्नर प्लान किया है, क्योंकि कॉर्नर जिसको हम बोलते हैं, तो ये हमारा कॉर्नर है L कॉर्नर जिसको अपन काम में ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा मल्टीपर्पज़ स्पेस है जहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, इन्होंने डस्टबिन रखा हुआ है क्लाइंट ने। उसके बाद सिंक के बॉटम का एरिया है जो हमने यहाँ पे सिंक के बॉटम में प्लान किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगर अपन ओवरहेड कैबिनेट्स की बात करें तो ओवरहेड कैबिनेट्स प्लान किए हुए हैं यहाँ पे, 2
कैबिनेट, ये डोबल पल्ले का एक कैबिनेट है। इसके बाद में एक ओपन कैबिनेट प्लान किया है, इसके बीच में ग्लास की शेल्फ है और एक और ओवरहेड कैबिनेट है, इसमें स्टोरेज दिया गया है। क्लाइंट की स्टोरेज रिक्वायरमेंट कम थी, उसके हिसाब से ये चीज़ें प्लान की गई है। यहाँ देखोगे तो आप बॉटम में स्पाइस शेल्फ भी है। ये पूरा ओवरऑल हमारा किचन का लुक है। दोस्तों मेरे को उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के इस वाले वीडियो में हम काफ़ी सारा शूट प्रॉपर्ली नहीं कर पाए थे, इसलिए वीडियो थोड़ा इस तरह से बनाया क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप हमें शूट करना रहता है। आने वाले वीडियोस में मैं और कोशिश करूंगा आपको प्रॉपर क्लैरिटी के साथ में इस चीज़ों को समझाऊँ और ज़्यादा क्लियरिटी से एक एक स्टेप के ऊपर वीडियो बनाऊँ। अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए GM फर्नीचर। थैंक यू सो मच।